आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब को देंगे 42,750 करोड़ की सौगात। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम सख्त, हर दिन 3 से 4 लाख सैंपल की जांच के दिए निर्देश। 15 प्लस को टीकाकरण का आज तीसरा दिन, अब तक 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 91 लाख बच्चों को मिली वैक्सीन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना का तांडव, हाई कोर्ट के 3 जज कोरोना संक्रमित, जजों के कोरोना संक्रमित होने से बचा हड़कंप। भारत में कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटे में 58,000 नए मामले आए सामने, एक ही दिन में बढ़े 55% मरीज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की खबर औरैया से है, जहां पे भाजपा के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू सिंह चौहान ने महिला सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं सम्मेलन की मुख्य अतिथि स्वप्निल वरुण, जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर नगर, ने कहा कि महिला पूरी तरह जान चुकी है कि सही और गलत क्या है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के लिए गलत बोलने वाले पहले अपने दल के चरित्र को देखे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में भाजपा जनता और महिलाओं की सुरक्षा के साथ विकास के चलते 350 सीटें पाकर फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर कानून का राज स्थापित करेगी। आपके लिए अगर कोई भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो, तो अति शीघ्र आपके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सुनवाई होकर आपको न्याय देने का काम किया जाता है। आपके बीच में हमारी घरानी व्यवस्था हुई, आज से पहले हमारी जितनी बहनें हैं, कई बार हमारी लाभार्थी जो बहनें हैं उनके नाम पर आवास नहीं होता था। हम सब जब से जन्म लेते हैं एक ही बात सुनते हैं कि बिटिया तो पराया धन होती है। का काम किया कि अब अगर हमारे भाई घर की बात करें तो आप कहें कि आप बाहर सोइए, ये घर मेरा है, और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही। झांसी में कांग्रेसियों ने सहारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कोविड नियमों का पालन करना सही नहीं समझा, नहीं किया। कांग्रेसियों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क लगाया। जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों का कहना है कि यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी बिना मास्क के नजर आए। कांग्रेसियों ने सहारा इंडिया में डूबे हजारों लोगों के करोड़ों रुपए को वापस दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए नवाबाद थाना पहुंचे, जहां सहारा इंडिया के खिलाफ लूट और गबन का मामला दर्ज कराने की मांग की। माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेवी के निर्णय के पश्चात भी आज इन लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। उनकी जमीनें धड़ाधड़ रूप से बिक रही हैं, चाहे पल्स कंपनी हो, चाहे सहारा कंपनी हो। सहारा ने तो इतनी लूट मचा रखी कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकारी उसको संरक्षण है। आदेश के बावजूद जमीनें क्यों बिक रही? ये सारे जो हजारों की संख्या में लोग हैं, लाखों संख्या में व्यापारी हैं, इनका पैसा सहारा के पास आज भी संपत्ति के रूप में है। सुप्रीम खबर फतेहपुर से है, जहां प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ ने आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर 2018 में सीधी भर्ती पर चयनित होकर आए 141 आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन फतेहपुर में हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने उच्चाधिकारियों एवं शासन के दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए सभी प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। पुलिस लाइन फतेहपुर में आयोजित 141 रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के द्वारा परेड का मान प्रमाण ग्रहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया गया। महोदय ने रिक्रूट आरक्षियों को शपथ दिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
खबर हाथरस से है, जहां हाथरस जंक्शन के हाथरस रोड हाल्ट पर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे मिनी प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि निर्माणदायी संस्था के ठेकेदार के द्वारा बहुत ही घटिया तरीके से इन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा मानक के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार निर्माण में जमकर बालू का उपयोग कर रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल और जातियों और समाज के लोगों को एक साथ एकजुट करने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से साहू राठौड़ महासभा के बैनर तले समाज की एकजुटता के लिए जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी साहू राठौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और MLC जगजीवन प्रसाद साहू महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समाज से सपा के समर्थन में जुट जाने की अपील करते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में साहू राठौर समाज का है, वो किसी अन्य दल में नहीं है। अखिलेश यादव के कामों का उद्घाटन ही बीजेपी सरकार कर रही है। आगे उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके समाज में कोई बिखराव नहीं है, खुद बीजेपी ही सभी के पीछे पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी सभी जनता का विश्वास रखती है। हमारे समाज ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया है। जी, समाज से क्या अपील है? समाज से अपील है कि समाजवादी पार्टी जो भी कैंडिडेट आवे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो भी आवे, उसको ये समाजवादी पार्टी के नाम पर जनता जितावे और वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनावे। मैं ही चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं और पहले भी थे और आज भी रहेंगे। समाज कहीं कहीं बिखर रहा है, कहीं नहीं बिखर, कहीं कहीं। अरे भाई, नहीं नहीं, भाजपा खुद ही जो है सबके पीछे पड़ी हुई है कि सब लोग छोड़ दो। समाजवादी पार्टी किसी में लगी? समाजवादी पार्टी सब जनता का, सबका विश्वास रखती है और सबसे जो चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री बनाएगा और उसमें हम लोगों का मुख्यमंत्री। फतेहपुर में 242 हुसैनगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी फरीद अहमद की अध्यक्षता में छिवलाहा कस्बा के अलौदीपुर मोड़ के पास छिवलाहा सहित सेमर मानपुर और सेक्टर में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में बसपा के हुसैनगंज प्रभारी मुख्य अतिथि रहे। बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। बता दें कि बसपा पार्टी ने खागा विधानसभा में मौर्य बिरादरी के मुन्ना लाल मौर्य और मोहम्मद शफीर को विधायक बनाने का काम किया है। वहीं नुक्कड़ सभाओं में सेक्टर और बूथ कार्यकर्ताओं को मतदाता को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रत्याशी फरीद अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार ने बसपा वालों को जख्म देने का काम किया है। वर्तमान में देश और प्रदेश में हाहाकार मची है। वर्तमान समय पर भाजपा सरकार कान में लीड लगाए बैठी है, जो अपनी धुन में चल रही है। खबर हाथरस से है, जहां तहसील सासनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अंतर्गत नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र 957.84 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से डिजिटल रूप से माध्यम से हाथरस की तहसील सासनी में बने नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया था। नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र से 115 गांव, 200 उद्योगों को आपातकालीन स्थिति में मदद मिलेगी। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भाजपा सदर विधायक हरिशंकर माहौर के पुत्र SP विनीत जायसवाल सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज जनपद हाथरस के सासनी तहसील अंतर्गत एक नवनिर्मित अग्निशमन सेवा केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया है। कुल 957 लाख की लागत से ये नया अग्निशमन सेवा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है और स्टाफ भी यहाँ पर तैनात रहेगा। आसपास जैसा कि विदित है, घना कस्बा है और हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं और कई उद्योग भी हैं, जिनकी काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और अगस्त 2019 में ये कार्य शुरू हुआ था और ये कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है और आज 4 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं
इसका डिजिटल रूप से उद्घाटन किया गया है और निश्चित तौर से आसपास के क्षेत्र के सभी जो हमारे निवासी हैं। आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसान भवन वेटरनरी कॉलेज मथुरा से किया गया, जिसमें मथुरा वृंदावन के महापौर मुकेश कुमार, आर्य बंधु, गोवर्धन विधायक ठाकुर, कारिंदा सिंह, बलदेव विधायक पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी मथुरा नवनीत चहल, नगर आयुक्त अनुनय झा ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया। एआरएम आगरा अनुराग यादव ने बताया कि मथुरा और आगरा को मिलाकर 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिली हैं, जिसमें आज मथुरा में 5 बसों का शुभारंभ किया गया है। ये प्रदूषण रहित बसें हैं। आज का प्रोग्राम विशेषतः प्रदेश में विभिन्न जो है विकास कार्यों के लोकार्पण का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ से था और इसमें आगरा मथुरा में इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के लिए जो ये कार्यक्रम है ये किया गया था। इससे मिलने वाले इस बसों की क्या खास बात है? ये बसें इलेक्ट्रिक हैं, बैटरी के माध्यम से संचालित होती हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का न तो ध्वनि प्रदूषण है न तो वायु प्रदूषण है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का ये परिचय है कि सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, उसी के आगे बढ़ाने में ये एक कदम है। सभी नगरों में आगे आने वाले भविष्य में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा परिवहन सुविधा प्रदान की जाए, उसका शुभारंभ है। बहुत ही हमारे इस जनपद का, हमारे इस ब्रज का बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उन 75 जनपद 7 नगरों में, नगर निगम कहिएगा, सिटी कहिएगा, सिर्फ 7 जगह आपकी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में किया गया है। उन 7 जनपदों में हमारा मथुरा नगर शामिल हुआ है। एक अपने आप में बहुत अनुकरणीय है, बहुत ही ये एक हर्ष की बात है कि 75 जिलों में हमारे 7 जनपद में आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया उसमें हमारा जनपद मथुरा आया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूँ सभी ब्रजवासियों। फरुखाबाद में समुदाय विशेष के दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों की दबंगई की वजह से एक दलित परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पीड़ित परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की और दलित के घर में घुसकर उनके घर पर पथराव भी किया। इसी के साथ दलित परिवार ने इस मामले में शिकायत पुलिस को दी है, तो वही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई और दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि समुदाय विशेष के ग्राम प्रधान के दबाव में मामले पर कार्रवाई करने से शहर कोतवाली पुलिस बच रही है। दो समुदायों के बीच में पुलिस की लापरवाही के कारण विवाद बढ़ गया है। जहां मुख्तार गैंग के मुख्य सहयोगी गणेश मिश्रा 11 एकड़ से अधिक की भूमि पर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनवाई थी, जिसे जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं मौके पर नगर क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष सराय लखनसी, इंजीनियर विनय मित्र क्षेत्र मौजूद रहे। आपको बता दें कि गणेश मिश्रा अवैध ढंग से कमाए गए धन और अवैध प्लॉटिंग कर क्रय विक्रय करने वाले थे और किसानों से एग्रीमेंट कराकर अवैध प्लॉटिंग कर आपराधिक धन का उपयोग करता था। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं मऊ से। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या इस वक्त कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें कि ये जो कढ़ाई सिकटिया पुल गणेश मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दस मिश्रा जो है प्लाटिंग का काम करते थे और ये जो कई वर्षों से जी ये कई वर्षों से कार्य चल रहा था और कल जो प्रशासन बुलडोजर उसपे चलाया जी। तो जो प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा माफियाओं पर?
इससे अब तक तो देखा जा रहा है तो कोई प्रभाव नहीं, माफिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इसी तरह कार्रवाई होती जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता कमलेश जुड़े थे। गोरखपुर में कांग्रेस नेत्री और उनके नाबालिग बेटे ने फैक्ट्री दरोगा अजय सिंह को पीट दिया और उनके साथ हाथापाई भी की। बता दें कि गोलघर के कचहरी चौक पर एक घंटे तक पुलिसकर्मियों से दोनों की हाथापाई हुई। कांग्रेस नेत्री और उनका बेटा लगातार पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा। हंगामे को देखते हुए लोगों की भीड़ भी जुट गई। बाद में पहुंचे यातायात निरीक्षक ने महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से नेत्री और उनके बेटे को कैंट थाने ले गए। इसी के साथ दरोगा का पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। पूरे मामले में पीड़ित दरोगा का तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और एक्शन लिया जा रहा है। सवा दो बजे की बात है, कचहरी चौराहे पे एक महिला ने जमाई जो कचहरी चौराहे पे थे उन्होंने एक बाइक रोका जिससे लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक महिला आ गई और बताने लगी कि जिस बाइक को रोका गया है उसमें से जो ट्रिपलिंग कर रहे थे उसमें से एक लड़का उसका बेटा था। उसने बातचीत के दौरान पीएसआई से हाथापाई कर ली। इस संबंध में कैंट थाने पे मुकदमा दर्ज करके महिला जो कांग्रेस नेत्री और उनके नाबालिग बेटे ने ट्रैफिक दरोगा के साथ जमकर मारपीट की, हाथापाई की और उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी दोनों लोग दिखाई दिए, जिसके बाद महिला कांस्टेबल की मदद से कांग्रेस नेत्री और उनके बेटे को पुलिस वालों के हवाले किया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, कहां का मामला बताया जा रहा है? जी, ये कल दोपहर का मामला बताया जा रहा है। कैंट थाना क्षेत्र का एक चौराहा है जहाँ पे ये पूरा वाकया घटित हुआ था, बाद में वीडियो वायरल भी हुआ। कैंट पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के लिए जो कांग्रेस नेत्री थी और उनके पुत्र थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी। बता दें कि कल दोपहर लगभग 2:30 बजे करीब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें कांग्रेस नेत्री और उनका पुत्र एक ट्रैफिक विभाग के जो दरोगा थे उनसे हाथापाई और गाली गलौज करते हुए दिख रहे थे। इसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन करने के साथ ही कैंट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्योंकि जो पीड़ित दरोगा थे उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से कांग्रेस नेत्री को हिरासत में ले लिया गया, साथ ही उनके पुत्र को भी हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही थी। वहीं कांग्रेस का भी पक्ष इसमें सामने आया। कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष जो गोरखपुर के हैं निर्मला पासवान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस महिला से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस कभी भी कानून हाथ में नहीं लेती है। तो सीधे सीधे कांग्रेस ने भी उस महिला से पल्ला झाड़ लिया। जी, गोविंद, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या थी जो ये हाथापाई हुई है ट्रैफिक हवलदार से? जी, कल कांग्रेस नेत्री जो थी वो अपने पुत्र के साथ कहीं जा रही थी। उनका पुत्र भी चूंकि नाबालिग ही दिख रहा था और हेलमेट नहीं लगाया था और वो एंट्री में एंट्री कर रहा था, इसको देख ट्रैफिक के जो दरोगा थे उन्होंने उसको रोका। उसके बाद मामला वाद विवाद में बढ़ा, उसके बाद मामला हाथापाई में पड़ गया। तो कुल मिला जुला करके दबाव बनाया जा रहा था ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो ट्रैफिक के दरोगा थे उनके ऊपर कि आप मुझे यहाँ से जाने दें, मेरे गाड़ी का चलान ना करें। और जो ट्रैफिक पुलिस था वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ था कि मैं चलान करूंगा, ये हेलमेट भी नहीं पहने हैं, नो एंट्री में एंट्री कर रहे हैं। तो मामला इसी पे बिगड़ा, दबाव बनाने के लिए पूरा ये जो घटना था वो घटित हुआ। जी गोविंद, जो ये लड़का दिखाई दे रहा था तपाई करता हुआ, ये नाबालिग है तो इसके ऊपर किस धाराओं में कार्रवाई की जाएगी? जी, पुलिस ने खाली कांग्रेस नेत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि लड़का नाबालिग है। उसको पूछताछ करने के बाद सूत्रों की माने तो कल ही छोड़ दिया गया था, लेकिन कांग्रेस नेत्री जो है उन्हें कल ही पुलिस महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया गया था। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गोविंद जुड़े थे। मऊ में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये आयोजन वन देवी धाम पर किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल रहे। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं की तरफ से संबोधित किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लोगों को संबोधित भी किया। बाद में कार्यक्रम को लेकर जानकारी मिली कि लंच पैकेट की तरफ भीड़ दौड़ने लगी।
थे नहीं गए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। मैंने आपको पहले ही कहा विपक्ष कांग्रेस है, सड़क पर कांग्रेस है, संघर्ष में कांग्रेस है, लाठी खाने में कांग्रेस है, किसान की बात कांग्रेस, नौजवान की बात कांग्रेस, बुनकरों की बात कांग्रेस, उद्योग की बात कांग्रेस, गांव की बात कांग्रेस, गरीब की बात कांग्रेस, और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही 2022 में सरकार बनाएगी। गठबंधन होगा किसी पार्टी से अकेले रहना है आपसे करेंगे गठबंधन आवाम से करेंगे। खबर सुल्तानपुर से है जहां जिस गौवंश को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर रहते हैं, उन्हीं गौवंशों का सुल्तानपुर के कूरे भार में एक युवक ने सैकड़ों छुट्टा जानवरों को बांध रखा हुआ है और इनके लिए ना तो गौवंशों के रहने की कोई व्यवस्था है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इस ठंड में खुले आसमान में गौवंश तड़प कर मर रहे हैं। आपको बता दें कि आला अधिकारियों से लेकर सूबे के सीएम और देश के पीएम को इस मामले में लिखित रूप से बताया जा चुका है। वहीं युवक का कहना है कि जो जानवर हर दिन प्रताड़ित हो रहे हैं उनसे अच्छा है कि यहीं पर मर जाएं। मुसार नचना में सैकड़ों जानवरों का मामला है, बधे क्या मामला है? मुसार नचना में सरकारी कोई भी गौशाला नहीं है, अभी ये हमारे संज्ञान में भी आता है। अभी हमने संबंधित सचिव को वहाँ जाने के लिए कहा है, वो देख करके जो भी रिपोर्ट देंगे तब पता चलेगा कि कैस किसने जानवर बांधे और क्यों बांधे हैं। अभी हमारे संज्ञान में सिद्धार्थनगर में 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी कपसिहवा की पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों ने प्लास्टिक के खिलौने और गर्म रेडीमेड कपड़ों की तस्करी करते हुए एक तस्कर को पकड़ा। सीमा चौकी कपसिहवा के जवानों ने सीमा के पास भारत नेपाल सीमा पर शातिर तस्कर को पकड़ा है। पकड़े गए शातिर तस्कर के पास से कई सामान बरामद हुए हैं। खबर प्रतापगढ़ के हथेठी रामपुर से है जहां राशन लेकर घर लौट रहे युवक पर दोस्त ने पीठ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया, दोनों में पहले भी आपस में विवाद हो चुका है। वहीं हमले में घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसके बाद गंभीर हालत में डॉक्टरों ने प्रयागराज उसे रेफर कर दिया है। किससे हुई थी लड़ाई? फिर उसके बाद वो दो तीन दिन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे थे। एक उसके बावजूद वो एक दिन ये लोग कहते थे कि कुछ सामान लाने, उसके बाद वो पीछे से गाड़ी चल रही आ रही थी और पीछे से उसने चाकू मार दिया। फिर उसके बाद हम तो पढ़ रहे थे घर पे बैठ के, तुरंत हमें फोन आया कि चाकू लग गई, हम तुरंत दौड़ के गए। उसके बाद सिद्धार्थनगर की मोहाना थाने के पुलिस को सफलता मिली है, उन्होंने दो मोटरसाइकिल चोरों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। मौके पर इन चोरों के पास से दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, इनकी कीमत 1,15,000 रुपए आकी जा रही है। इस पुराने घटनाक्रम की जानकारी सदर सीओ प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और मौके पर कहा कि पकड़े गए दोनों मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दो टीमें यूसुफपुर और ककरावा बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल संदिग्ध मिली, जिनसे एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर थी उस पर जो था विजय पासवान, उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर 2014 में देवरिया कोतवाली से चोरी की गई थी और इसका उसने जो है फर्जी कागज़ और फर्जी नेम प्लेट बनवाया था, और दूसरी मोटरसाइकिल सुपर पल्सर थी और उसके बारे में तहकीकात की जा रही है। बाकी दोनों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक। हाथरस के नगला आलिया के 5 दिनों से गायब हुए युवक का शव मेंदू नहर में मिला है। शव को देखने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना इसकी पुलिस को दी गई, तो पुलिस अब जांच में जुट गई है। हाथरस से ये खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।